नमस्ते मित्रों, मैं आपका दोस्त दीप। आज मैं जो आपके लिए मूवी लाया हूँ, उस मूवी में हम एक ऐसा आदमी देखेंगे जो बिना याददाश्त के ज़ॉम्बीज के बीच में फंस जाता है, पर उसको ज़ॉम्बीज से ज्यादा खतरा उसको इंसानों से होता है। और इस मूवी का नाम है आई एम टॉक्सिक। तो चलिए मूवी की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो किसी बीहड़ में बेहोश पड़ा है, और फिर जब वो होश में आता है और अपनी आंख खोलता है तो वो देखता है उसके आसपास इंसानों के कंकाल और बॉडियां पड़ी हैं जो पूरी तरह सड़ चुकी हैं। अब वो आदमी उठता है और उन्हीं बॉडियों में से अपने लिए एक जूते निकालता है और कुछ कपड़े लेता है जो वो पहन लेता है, और इसी बीच वो देखता है उसके हाथ पर एक टैटू बना है जिसके बारे में उसे कुछ नहीं पता है। अब वो काफी ज्यादा प्यासा होता है, जिसके बाद वो पानी ढूंढता है पर उसे पानी नहीं मिलता। पर कुछ समय चलने के बाद वो एक जॉम्बी को इंसान समझ के आवाज मारता है, और उसकी आवाज के कारण वो जॉम्बी उसके ऊपर अटैक कर देता है। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो इस मूवी में जॉम्बीज हैं, ये जॉम्बीज देख नहीं सकते, ये अपने शिकार को केवल कानों से सुनकर और स्मेल कर पहचान, इनके पास आंख नहीं। अब बैक टू मूवी। अब जब वो जॉम्बी उस पर अटैक कर देता है, उसी समय एक ज्यादा उम्र का आदमी आकर उसकी जान बचा लेता है, और जान बचाने के बाद वो बुड्ढा आदमी उसको अपने साथ चलने के लिए बोलता है। फिर कुछ समय सोचने के बाद वो उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब जब वो बुड्ढा आदमी उसको अपनी कार में ले जा रहा होता है, तब वो उससे उसके बारे में पूछता है, लेकिन उसको इसके बारे में कुछ भी याद नहीं होता कि वो कौन है और कहां से है। फिर वो बुड्ढा आदमी ये बताता है कि ये सब क्या चल रहा है, और उसमें ये बताता है कि पूरी दुनिया में इन जॉम्बीज से लड़ाई चल रही है, और पूरी दुनिया ही इस समय भुखमरी से गुजर रही है, और भुखमरी इतनी है कि लोग डेड बॉडीज को खा रहे हैं, इसके कारण ये वायरस और तेजी से फैलता जा रहा है। लेकिन हमें इस सीन में ये नहीं बताया जाता है कि इस वायरस के फैलने का मेन कारण क्या है। अब वो दोनों उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां वो बुड्ढा रहता है। अब वहां पहुंचने के बाद वो बुड्ढा उस आदमी को उन सबसे मिलाता है जो उसके साथ उस जगह पर रहते, जिसमें दो लड़के होते हैं और एक लड़की, और ये देखने में काफी खतरनाक और पागल लगता है। अब वो पूरा ग्रुप मिलकर उस आदमी को खाना खिलाने ले जाते हैं, जहां पर उसी ग्रुप में से एक लड़का इस आदमी को नाम दे देता है डॉगी। फिर जब वो डॉगी के लिए खाना लाते हैं तो उस खाने में इंसान के शरीर का मांस होता है, जिसे देखकर डॉगी डर जाता है, लेकिन वो उसी समय उसको पकड़ दबोच लेते हैं। अब इसी सीन में हमें पता चलता है कि इन लोगों ने डॉगी को इसलिए पकड़ा है क्योंकि डॉगी भी इस वायरस से इन्फेक्टेड है, और कुछ ही समय बाद वो भी ज़ॉम्बी बनने वाला है, और यही कारण है डॉगी को उसकी पूरी लाइफ याद नहीं है, क्योंकि इस वायरस का सबसे पहला सिम्टम यही होता है कि सामने वाली की मेमोरी लॉस्ट हो जाती है। अब वो सब मिलकर डॉगी को काफी ज्यादा टॉर्चर करते हैं, और फिर एंड में वो उसको जान से मारने का प्लान बना लेते, लेकिन वो ये काम अपने ग्रुप में मौजूद उस लड़की से कराने की कोशिश करते हैं, पर पता नहीं क्यों वो लड़की ऐसा नहीं करती है। उस लड़की के छोड़ने के बाद वो डॉगी को एक जेल में बंद कर देता, और जेल में बंद करने के बाद वो बूढ़ा आदमी वहां से फिर बाहर चला जाता है, ये बोलकर कि मैं खाने का जुगाड़ करने जा रहा हूँ। अब इसी सीन में हमें ये पता चलता है कि जो ये लड़की है, इस लड़की को इन लोगों ने अपने पास केवल अपना दिल बहलाने के लिए रखा है, और वो उसका पूरा फायदा उठाते हैं। अब कुछ ही टाइम बाद वो लड़की डॉगी को उसके जेल से आजाद कर देती, और अब जब डॉगी फिर से ये सब देखता है तो वो उस लड़की से पूछने की कोशिश करता है कि वो ये सब क्यों कर रही है, लेकिन वो कि उसको कोई जवाब नहीं देती। अब उस ग्रुप में किसी को भी ये नहीं पता होता है उसको जेल से बाहर इस लड़की ने निकाला है। अब उसके बाद जब डॉगी वहां से भागने की कोशिश करता है, तब उसी ग्रुप में से एक लड़का उसको देख लेता है, जिसके बाद वो तीनों मिलकर डॉगी का पीछा करते हैं। और काफी देर भागने के बाद डॉगी एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहां काफी सारे खाली घर होते हैं। अब वहां भागते भागते डॉगी की नजर एक ऐसी जगह पर पड़ती है जहां पर सेम टू सेम उसी तरह का निशान होता है जैसा उसके हाथ पर टैटू है। देखकर उसी घर में चला जाता है, लेकिन पीछे से वो तीनों भी वहां पहुंच जाते हैं, और उनको पता चल जाता है कि डॉगी इसी घर में। अब उन तीनों में से एक लड़का डॉगी को पकड़ने उस घर के अंदर जाता है, लेकिन डॉगी उसका ही चाकू उसकी गर्दन पर लगा देता है और बाहर आता है। अब जब डॉगी उस आदमी की गर्दन पर चाकू लगाकर बाहर आता है, तो उसे बचाने के लिए उसका एक आदमी तीर चलाता है, जो तीर डॉगी के साथ साथ उस मोटे लड़के को भी लग जाता है जो उस ग्रुप का मेंबर होता है, जो उसको पकड़ने अंदर गया होता है। तीर लगने के बाद वो मोटा आदमी वहीं गिर जाता है, लेकिन डॉगी वापस अंदर भाग जाता है। अब वो तीनों मिलकर घर के अंदर जाते हैं जहां वो डॉगी को पकड़ लेते हैं, और पकड़ने के बाद वो डॉगी को फांसी के फंदे पर लटका देते, लेकिन इससे पहले वो उसको लटकाते वहां पर ज़ॉम्बीज का एक पूरा ग्रुप आ जाता है, जिसको देखकर वो दोनों लड़के डॉगी को वहां पर छोड़कर बाहर उन ज़ॉम्बीज को मारने चले जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि वो लड़की दोबारा से डॉगी की जान बचा लेती है, और वो जल्दी से डॉगी की रस्सी काट देती है, और वो भी उनके साथ बाहर चली जाती है। ज़ॉम्बीज के ज्यादा होने के कारण वो तीनों वहां से अपनी बाइक पर भाग जाते हैं, लेकिन डॉगी अभी भी घर के अंदर है। अब वो सभी ज़ॉम्बीज घर के अंदर घुस जाते हैं।
लेकिन वो सभी ज़ॉम्बीज डॉगी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते क्योंकि वो पहले से ही इन्फेक्टेड होता है। अब नेक्स्ट सीन में वो तीनों अपने घर पहुंच जाते हैं जहां पर वो बूढ़ा आदमी दोबारा से आता है। तभी उनमें से एक उस बुड्ढे को पूरी कहानी बताता है कि डॉगी यहां से भाग चुका है। अब ये सुनकर वो बुड्ढा काफी गुस्सा होता है और वो उन सबको डांट रहा होता है। पर तभी हम देखते हैं कि डॉगी सभी ज़ॉम्बीज को लेकर उस पूरे ग्रुप को मारने आ गया है और अब डॉगी 50% ज़ॉम्बी बन चुका है जिसके कारण उसकी शक्ल भी अब ज़ॉम्बीज जैसी हो गई है। लेकिन वो चारों मिलकर ज़ॉम्बीज से लड़ते हैं और वो काफी सारे ज़ॉम्बीज को मार भी देते हैं। लेकिन इसी लड़ाई में वो मोटा आदमी फिसलने के कारण उसके सर में एक हुक घुस जाता है इससे उसकी वहीं मौत हो जाती है और फिर दूसरे आदमी को डॉगी मार देता है। अब इसके बाद डॉगी उस लड़की के पास पहुंचता है जहां उसकी और उस लड़की की काफी ज्यादा लड़ाई होती है और इसी लड़ाई में डॉगी उस लड़की से पूछता है कि वो कौन है। लेकिन तभी वहां पर वो बुड्ढा आ जाता है और वो बुड्ढा डॉगी पर गन तानता हुआ उस लड़की का नाम बताता है और वो उस लड़की का नाम आयरिस बताता है। फिर डॉगी देखता है कि आयरिस के भी हाथ पर सेम वही टैटू है जो उसके हाथ पर। तभी हमें मूवी में बैक सीन में ले जाया जाता है जहां हमें आयरिस की पूरी कहानी बताई जाती है और उस कहानी में हमें दिखाया जाता है कि डॉगी और आयरिस बाप बेटी हैं। और इसी कहानी में हमें ये भी दिखाया जाता है कि डॉगी ने ही अपनी बीबी को मारा था और उसे मारने का कारण ये हालात होते हैं। इन हालातों में वो भी हैं लेकिन डॉगी आयरिस को नहीं मारता है, वो उसको वहां से जाने के लिए बोल देता है जिसके बाद आयरिस वहां से भाग जाती है। और इसी बीच ये ग्रुप आयरिस को अपने साथ रख लेता है और इसी बीच डॉगी भूख के कारण एक डेड बॉडी को खा लेता है जिसके कारण वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है। इसी के बाद उसकी मेमोरी लॉस्ट हो जाती है और अब वो 50% ज़ॉम्बी बन चुका है और कुछ ही समय में वो पूरा ज़ॉम्बी बन जाएगा। अब हम दोबारा मूवी पर आ जाते हैं। अब वो बुड्ढा आदमी आयरिस को गन पकड़ा देता है और वो डॉगी को गोली मारने के लिए बोलता है पर आयरिस बुड्ढे को ही घायल कर देती है जिसके कारण बुड्ढा बेहोश हो जाता है। अब जब बुड्ढे की आंख खुलती है वो बाहर ग्राउंड में होता है जहां पर आयरिस ने डॉगी और उस बुड्ढे को चेन से एक साथ बांध दिया होता है और अब तक डॉगी भी पूरी तरह ज़ॉम्बी बन चुका होता है। ये करने के बाद आयरिस वहां से चली जाती है और जाते समय हमें दिखता है कि आयरिस काफी ज्यादा खुश है और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो अब आप मुझे कमेंट करके बताइए आपको मूवी कैसी लगी और इसी तरह की मूवी और पाने की आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।